नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में नए साल में मिलेगी बंपर नौकरियां। बिहार में कोविड-19 फिर से तोड़ रहा है अपने रिकॉर्ड। बेटियों के हाथ में अब होगी समाज सुधार की कमान। देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी बनेगा बिहार में। बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं में नामांकन की आखिरी तारीख बढ़ी आगे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नए साल में मिलेगी बंपर नौकरियां। बिहार को नए साल से काफी उम्मीदें हैं। नौकरी और रोजगार की 8 योजनाएं परवान चढ़ रही है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग शिक्षा, खेती, सड़क और श्रम सुधार के क्षेत्रों में कई ऐसी योजनाएं ला रहा है जिन्हें इस साल पूरा होना है। रोजगार सृजन का नया रोड मैप बनाया जा सकता है। राज्य के 2.25 करोड़ किसान परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जोर लगाया जा सकता है। कोविड-19 के खतरों को देखते हुए अस्पतालों की दशा सुधारने का प्रयास भी तेजी से किया जाना है। इसी के साथ BPSC के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के 64,000 पदों पर भी बहाली होनी है। उद्योग के क्षेत्र में भी कई काम होने हैं जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। कई जिलों में इथेनॉल प्लांट भी लगाए जाने हैं। स्वास्थ्य विभाग में 254 स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है। प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाने की योजना है। बिहार में कोविड-19 फिर से तोड़ रहा है अपने रिकॉर्ड। बिहार में कोविड-19 के मामलों में हर दिन के साथ लगातार बढ़ोतरी एक बार फिर से देखने को मिलने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 281 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 749 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, भागलपुर में 3, गया में 70, गोपालगंज में 2, जमुई में 3, जहानाबाद में 5, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, मधेपुरा में 8, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 4, नवादा में 3, पटना में 136, पूर्णिया में 1, रोहतास में 3, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2, सारण में 1, सिवान में 1, सुपौल में 2, वैशाली में 6 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए 7 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,62,449 सैंपल की जांच की गई। वहीं 20 मरीज इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों पर विजिलेंस की निगरानी। बिहार में बीते 2 महीनों से उच्च शिक्षा को लेकर कई खुलासे हुए हैं, जिससे कि हर कोई काफी हैरान हुआ है। पहले मगध यूनिवर्सिटी के VC की अवैध कमाई में संलिप्तता, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की VC पर फर्जी भुगतान के आरोप सहित दूसरे विश्वविद्यालय में कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिनमें इन विश्वविद्यालयों के बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद अलग अलग अधिकारियों की कमाई पर विजिलेंस की नजर है। बताया जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले में बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े लगभग 27 पदाधिकारियों और बड़े लोगों के खिलाफ जांच के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी है। इसमें कई फॉर्म भी शामिल है। इसमें विश्वविद्यालय से जुड़े 16 और 11 अन्य बड़े लोग हैं। अब दिल्ली से पटना केवल 8 घंटे में। पटना और नई दिल्ली के बीच की दूरी सड़क के रास्ते अब महज 8 घंटे की होने वाली है, क्योंकि पिछले कई साल से चल रहे 1500 करोड़ की महत्वाकांक्षी पटना कोइलवर बक्सर फोरलेन निर्माण परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहने से नए साल में जुलाई से पटना कोइलवर बक्सर फोरलेन पर फर्राटे से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। हालांकि इसके 2 लेन का काम अप्रैल में ही पूरा कर आंशिक आवागमन शुरू करने की योजना है। इसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसके बाद आने वाले समय में यह 4 लेन उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, जिसके बाद पटना और नई दिल्ली का सफर लगने वाला समय आधा हो जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो सड़क मार्ग से पटना दिल्ली के बीच 14 से 15 घंटे का समय लगता है। ठिठुरते बिहार में और बढ़ेगी कनकनी। नए साल पर बिहार का मौसम बदलने वाला है, जिसके तहत पूरा राज्य सर्दी से सिहर रहा है। ठिठुरते बिहार में अब शीतलहर का असर शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों तक परेशानी बढ़ा सकता है। बीते दिन की बात करें तो पटना सहित राज्य के कई जिलों में घना कोहरा लगा रहने के कारण दोपहर तक धूप का दर्शन नहीं हुआ। वहीं सुबह से चल रही तेज हवा के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई थी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में अगले 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। खासकर न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट देखी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से 7 जनवरी के दौरान हल्की बारिश होगी। इसका असर बिहार पर भी देखा जाएगा। बिहार में आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा बदलाव हो सकता है। पुलिसकर्मियों के लिए फिर से जारी हुई कोविड-19 गाइडलाइन।
बिहार में कोविड 19 लगातार दोगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन पुलिस ऑफिसर सभी थानों के पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बताया कि पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो भी नियम कानून जारी किए गए थे उसे फिर से जारी दिया गया है, जिसके तहत सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को पुलिसकर्मियों के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया है। पुलिस लाइन कार्यालय थानों और सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने का निर्देश दे चुकी है। मां को श्रद्धांजलि देने पैतृक गांव पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश। बीते दिन जहां बिहारवासियों के साथ साथ समूचे देशवासी नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश अपनी मां की पुण्यतिथि में शिरकत होने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे, जिसके तहत नालंदा में सीएम नीतीश ने अपनी दिवंगत माता परमेश्वरी देवी की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने नालंदा के हरनौत के कल्याण बीघा में स्थित स्मृति वाटिका में अपनी माता के आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कल्याण बीघा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। माल्यार्पण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से भी वो रूबरू हुए। बोर्ड कक्षा 11वीं में नामांकन की आखिरी तारीख बढ़ी आगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-23 के तहत कक्षा 11वीं में एडमिशन लेने से चूक गए छात्रों को आवेदन देने का एक और मौका दिया है, जिसके तहत अब अभ्यर्थी 10 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। समिति ने 27 दिसंबर 2021 तक आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ाई थी, लेकिन एक बार फिर से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-223-0039 और 2235161 पर संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा समिति की वेबसाइट inter23.biharboardonline.com के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन आवेदन शुल्क जमा नहीं किया है, वो 10 जनवरी 2022 तक आवेदन शुल्क भी जमा करा सकते हैं। आई के छात्र बिना परीक्षा दिए ही हो जाएंगे प्रमोट। बिहार के लगभग 2.25 लाख ITI छात्रों के लिए खुशखबरी। कोरोना के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण के छात्रों को बिना परीक्षा के ही सीधे दूसरे साल में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इसको लेकर DGT की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बिहार राज्य प्राइवेट ITI प्रगतिशील संघ के अनुसार कोविड के कारण 2 वर्षीय पढ़ाई कर रहे छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे बिहार के भी छात्र लाभान्वित होंगे। इसके तहत प्रथम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आगामी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा नहीं देनी होगी। बेटियों के हाथ में होगी अब समाज सुधार की कमान। पटना सहित राज्यभर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं का चयन कर लिया गया है। इन बेटियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में शामिल किया गया है। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने समाज सुधार अभियान के तहत उड़ान प्रोजेक्ट में महादेव हाई स्कूल खुसरूपुर के 3 छात्रा गुड़िया निर्जला और आयुषी राज को शामिल किया था। वहीं उच्च विद्यालय बेगूसराय की छात्रा प्रियंका कुमारी को भी अभियान में जगह मिली थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के उन बेटियों की सूची मांगी थी जिन्होंने अपने बूते लीक से हटकर काम किया है। कुल कर समाज को आगे बढ़ाने और समाज की सोच बदलने के लिए जिन बेटियों का योगदान रहा उनका चयन किया गया है। इन 5 देशों से बिहार आने वाले 10 दिन रहेंगे होम आइसोलेटेड। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कोविड 19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दूसरे देश से आने वाले यात्रियों को लेकर सख्त नियम कानून लागू किए गए हैं, जिसके तहत 5 देश दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, अमेरिका, इंग्लैंड और हांगकांग से आने वाले यात्रियों को अब कम से कम 10 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही उन्हें 10 दिनों में 3 बार कोविड 19 जांच भी करानी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में अचानक कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही कारण है कि बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में काम कर रहा है। देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी बनेगा बिहार में। भारत सरकार का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य तकदीर उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिहार में स्थापित होने वाला है। इसको लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार के आग्रह पर बिहार सरकार ने पटना से मुजफ्फरपुर के बीच इसको लेकर 100 एकड़ में भूखंड की तलाश शुरू कर दी है। 2022 में इसकी शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कई दौरे की बातचीत भी हो चुकी है। बिहार का प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान देश में तीसरा होगा। इससे पहले केवल दो संस्थान हरियाणा के सोनीपत और तमिलनाडु के तंजावुर में है। पहली बार पूर्वी भारत में इस तरह के संस्थान की रूपरेखा तैयार की गई है। इससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के निवासियों को काफी फायदा होगा। बिहार कैडर के 9 आईपीएस अफसर इस साल हो जाएंगे सेवानिवृत्त। नए साल का आगाज हो गया है। इसी बीच अब नए साल में बिहार कैडर के कई आईपीएस अफसर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिसमें बिहार के डीजीपी एसके सिंघल 19 दिसंबर 2022 को, इनके अलावा कई आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों का नाम शामिल है, जिसमें आईजी ट्रेनिंग विजय कुमार वर्मा इस साल दिसंबर महीने में, आईजी में प्राणतोष कुमार दास 31 जनवरी 2022 को, आईजी जितेंद्र मिश्रा भी 28 फरवरी 2022 को, डीआईजी रत्नमणि संजीव 31 जुलाई 2022 को, डीआईजी सारण रेंज रविंद्र कुमार 31 मई 2022 को, डीआईजी उमाशंकर प्रसाद 31 जनवरी 2022 को, डीआईजी दिलीप कुमार मिश्रा 31 अगस्त 2022 को, डीआईजी सिविल डिफेंस अमजद अली 31 अक्टूबर 2022 को सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। साल में सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। नया साल इस बार महंगाई के लिहाज से थोड़ा राहत भरा रहा, क्योंकि नए साल के मौके पर ही एक तरफ जहां दैनिक उपयोग की कई सामग्रियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई, वहीं खाना बनाने के गैस सिलेंडर में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन गैस सिलेंडर सस्ता होने का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि कीमतों में हुई कमी कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। IOCL के अनुसार 1 जनवरी 2022 को दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 102 रुपये घटकर 1998.5 हो गई। अब तक यानी 31 दिसंबर तक 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के लिए दिल्ली में 2101 रुपए देने होते थे। बिहार के ग्रामीण इलाके के छात्रों ने शहरी क्षेत्र के लड़कों को छोड़ा पीछे। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2021 तक जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार नीतीश सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से 1,60,758 से भी ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा चुके हैं। इनमें से 59.30% पिछड़े वर्ग के बच्चे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे सामान्य वर्ग के बच्चों का भी रुझान कम नहीं है। इस वर्ग में 29% विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है, जबकि अनुसूचित जाति के 10.50% और अनुसूचित जनजाति के 1.20% बच्चों ने लाभ उठाया है। योजना के नोडल अफसर अरविंद सिन्हा के मुताबिक 2 अक्टूबर 2016 को लागू इस स्कीम में इंटरपास युवाओं को 4 लाख तक ऋण सुविधा दी जाती है। उच्च व्यावसायिक तकनीक और चिकित्सा विषय के 42 पाठ्यक्रम में ऋण का प्रावधान है। पटना एयरपोर्ट से अब 44 जोड़ी उड़ेंगे विमान। पटना एयरपोर्ट ने DGCA से अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से विंटर के स्केड्यूल को जारी कर दिया है। शुक्रवार को जारी विंटर स्केड्यूल 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। नए स्केड्यूल में कोलकाता के लिए स्पाइसजेट की एक नई उड़ान 5 जनवरी से शुरू होने वाली है। 5 जनवरी से पटना एयरपोर्ट से, तो वहीं 44 जोड़ी उड़ान जो है वो परिचालन करेंगे। यह फ्लाइट 1 जनवरी से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बेंगलुरु, पटना, कोलकाता सेक्टर के बीच ऑपरेट करेगी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बेंगलुरु, पटना, बेंगलुरु के बीच ऑपरेट करेगी। इसके आने का समय दोपहर के बाद 3:25 और प्रस्थान करने का समय 4:20 का है। जदयू के सभी भंग प्रकोष्ठों का होगा पुनर्गठन। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम आने के बाद जदयू पार्टी एक बार फिर से अलर्ट हो गई है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य नेता काम कर रहे हैं। वहीं जदयू प्रदेश उमेश कुशवाहा ने नए साल में संगठन की मजबूती को लेकर बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पार्टी को शानदार और जानदार बनाने के लिए नए साल में सभी भंग प्रकोष्ठों को पुनर्गठन किया जाएगा, ऊर्जावान साथियों का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं के लिए नया साल खुशखबरी वाला होगा। सभी को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के संगठन की मजबूती के लिए जदयू जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जिला इकाई का दौरा कर संगठन की निचली इकाई को मजबूत करने की दिशा में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। नए साल के मौके पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। नए साल के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ अपने आवास पर समर्थकों से मुलाकात की और समर्थकों और शुभचिंतकों से बधाई स्वीकार भी की। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, साथ ही सरकार का भी घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को लेकर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से नीतीश कुमार है, इसलिए उन्हें जवाब तो देना ही होगा कि सूबे में अगर इतनी परेशानियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदार और कोई कैसे हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या को लेकर खरमास के बाद मैं बिहार की यात्रा पर निकलने वाला हूं। वहीं पार्टी के महुआ विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बेरोजगारी हटाओ यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस मौके पर बिहार के लाखों युवा एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे।
सीएम ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कैलेंडर का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन एकड़े मार्ग स्थित संकल्प में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर और टेब्यूल कैलेंडर को लेकर के 2022 का लोकार्पण कर दिया है और जनता को समर्पित कर दिया है। इस मौके पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्राधिकरण के सदस्य पीएन रॉय, मनीष वर्मा और प्राधिकरण के सचिव मिनेन्द्र कुमार उपस्थित थे। इस दौरान ही नए साल के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैलेंडर का लोकार्पण कर दिया। सात समेत अन्य को दर्ज करानी होगी उपस्थिति। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले का फैसला आने वाला है। इस मामले में तीन आरोपियों की तरफ से बहस नहीं हो पाई है। उन तीनों आरोपियों की तरफ से बहस पूरी होते ही फैसले की तारीख अदालत की तरफ से निर्धारित कर दी जाएगी। इन सबके बीच जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया है कि मुकदमे का सामना कर रहे आरोपियों को नए साल में कोर्ट खुलते ही उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि आरोपियों को व्यक्तिगत उपस्थिति की जगह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित दर्ज कराने की छूट दे दी गई है। वर्तमान में मामले में 102 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इनमें से लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। बाकी तीन आरोपियों की तरफ से 3-4 जनवरी को बहस की जाएगी। सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं करना चाह रहे छात्रों को मिला एक और मौका। सीबीएसई ने आगामी 6 जनवरी तक 9वीं और 11वीं के पंजीयन कराने की अवधि बढ़ा दी है। इसको लेकर 30 दिसंबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी। इस साल परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन कराना है। परीक्षार्थियों ने पंजीयन की अवधि बढ़ाने का अनुरोध सीबीएसई से किया था। सीबीएसई पाटलिपुत्र सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष एके नाग ने कहा है कि बोर्ड के निर्णय से छात्र छात्राओं को काफी सुविधा होगी। आगामी 6 जनवरी के बाद फॉर्म भरने पर छात्रों को विलंब शुल्क हालांकि देना होगा। ऐसे में तय समय तक फॉर्म भरने पर विलंब शुल्क देने से आप बच सकते हैं। आपको बता दें कि 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन आगामी 15 दिसंबर से जारी है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण और तकनीकी परेशानी के कारण पंजीयन में कई जगह पर बाधा आ रही है। अगले 4 दिनों में पंजीयन का काम पूरा हो जाने की हालांकि उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रधानमंत्री के लिए किसान सर्वोपरि। बीते दिन अपने वादे अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर किसान सम्मान निधि योजना के 10वीं किश्त का भुगतान करने का काम किया है, जिसके बाद उनकी वाहवाही बिहार में भी देखने को मिल रही है। जिसके तहत ही भाजपा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि किसान उनके लिए सर्वोपरि है। इसके साथ ही 351 किसान उत्पादक संगठनों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 करोड़ से अधिक राशि का इक्विटी अनुदान जारी किया है। इससे 1.24 लाख किसानों को लाभ होगा। इतना ही नहीं, मोदी जी ने इस दौरान वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से 12 श्रद्धालुओं की जान जाने को भी अत्यंत दुखद बताया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ब्रिटिश सैनिकों ने भारत के कलकत्ता शहर पर 1757 में कब्जा किया। रामकृष्ण के आदेश के बाद 1899 में साधु कलकत्ता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे। पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ किया गया था। केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक मुन्नत्तू पद्मनाभन का जन्म 1878 में आज के दिन हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारिका डॉक्टर राधाबाई की 2 जनवरी 1950 को जान आज के दिन गई थी। गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह की 2 जनवरी 2010 में जान आज के दिन गई थी। जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना। सेंचुरियन टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया जोहानिसबर्ग पहुंच चुकी है। टीम इंडिया ने 31 दिसंबर को नए साल का जश्न जमकर मनाया। खिलाड़ियों के मस्ती करने और केक काटने की कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीसीसीआई ने शनिवार को एक वीडियो इस दौरान ट्वीट किया जिसमें खिलाड़ी जमकर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के पास जोहानिसबर्ग टेस्ट जीत कर इतिहास रचने का मौका है। बीसीसीआई ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम यहाँ वॉन्डर्स में दूसरे टेस्ट की के लिए पहुंच चुके हैं। नया दिन, नया साल, नई शुरुआत और नया फोकस। इस वीडियो में टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। 7 जनवरी को नहीं रिलीज होगी आरआरआर। मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर की रिलीज डेट टाल दी गई है। निदेशक एसएस राजामौली की मेगा बजट पर आरआरआर की रिलीज डेट को टाल दिया गया है, जिसके तहत 7 जनवरी को सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक नई डेट रिलीज
की नहीं जारी हुई है। इससे पहले भी फिल्म की रिलीज डेट कई बार टल चुकी है। यह फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के अलावा हिंदी में भी रिलीज होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि RRR का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस बिग बजट के चलते मेकर्स कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें सख्ती बरत रही है। अगले हफ्ते तक कोरोना की गाइडलाइन और भी सख्त हो सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथुन कुमार पंडित, फैजान खान, शाहजहां खातून, शंकर मुखिया, विमल सिंह, यादव सुजय, लालू कुमार, प्रिंस कुमार, पूजा कुमारी, गौतम कुमार, प्रिंस यादव, नीलेश यादव, शाहजहां खातून, जनरल लर्निंग। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपने अपना नया साल कहाँ मनाया और कैसा रहा आपका नया साल? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।